गुड मॉर्निंग. नाउ वी कंटिन्यू लॉगरिथम. लॉगरिथम में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा था. स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, नंबर, कोई भी नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लॉगरिथम के कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में किया था. आज हम डिस्कस करेंगे कि हम लॉगरिथम को टेबल की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे. ओके, तो लॉग है 2.467 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है. तो आप देखिए, जो नंबर था हमारा लॉग 24.678, किसके फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या बताया था, डेसिमल से लेफ्ट साइड में हमेशा एक नंबर होना चाहिए. यहाँ पर कितने नंबर हैं, दो. दैट मीन्स डेसिमल को कितने शिफ्ट करना पड़ेगा, वन प्लेस शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है. तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, लॉग 2.467 इंटू 10 की पावर 1. गॉट इट. नाउ कन्वर्ट इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म कर लिया हमने. अब क्या होगा, हमें अब टेबल देखनी पड़ेगी. आप सभी के पास टेबल होगी तो वहाँ से आप वैल्यू देख सकते हैं. तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी उसको हम पहले राइट कर लेंगे डेसिमल से पहले. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा आपकी डेसिमल से पहले राइट कर ली जाएगी. इसके बाद नेक्स्ट है, अब देखना है हमें वैल्यू जो देखनी है वो देखनी है 24 की वैल्यू किस में, 6 में. जब आपके पास टेबल होगी तो 24 की वैल्यू आप 6 में देखेंगे तो वो कितनी वैल्यू होगी, 3909. ऐसे ही जो फोर्थ, जो हम टेबल देख रहे हैं उसमें हम तीन वैल्यू तक तो हमने देख लिया. अब जो हमारा फोर्थ नंबर होगा वो हमारा क्या शो करेगा, मीन डिफरेंस. तो यहाँ पर देखिए 24 की वैल्यू 6 में 3909 थी, और 7 में मीन डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, 12. ओके, तो हमने यहाँ पुट कर दी वैल्यू 12. अब सभी को सॉल्व किया कितना आया, 1.3921. ऐसे ही लॉग, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग 3. कहीं पर भी अगर कोई आपकी कंडीशन दी जाए कि वहाँ पर ओनली आर्गुमेंट दिया जाए और वहाँ कुछ भी बेस ना हो, तो वहाँ ऑब्वियस होगा बेस क्या होगा, 10 होगा. ओके, तो लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771. ये आपको याद भी रखनी है, ठीक है. कहीं पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको याद होनी चाहिए. कुछ लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक की वैल्यू आपको टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि लॉग 11 से लेके आगे जो वैल्यू होंगे वो आपको टेबल में मिल जाएंगे, लेकिन 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, वो टेबल में नहीं होंगे. ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग लॉग 23.45. तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो पॉइंट डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट इज लॉग 2.345 इंटू 10 की पावर 1. ओके, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, 1.3692 प्लस 9. वही देखा हमने, 23 की वैल्यू किस में देखेंगे, 4 में, और जो आपका फिर पूरा हम इसमें देखेंगे फेज डिफरेंस कितना होगा, 5, दैट इज 9, ठीक है. तो 1.3701. अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं लॉगरिथम की, वो भी हमें जाननी जरूरी है. यहाँ पर लॉग ए इंटू बी, तो क्या होगा, कभी भी लॉगरिथम के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो होता है वो हमेशा ऐड हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी. सेम लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या होगा, कभी भी अगर डिवीजन में होगा तो उसको हम सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी. तो लॉग ए की पावर बी, दैट मीन्स बी लॉग ए, और लॉग बेस मैंने अभी आपको बताया था, बेस और आर्गुमेंट सेम होगा तो हमेशा 1 होगा. ऐसे ही लॉग बेस ई और आर्गुमेंट ई, दैट इज 1. मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको क्या करनी पड़ेंगी, लॉग 1 से लेकर लॉग 10 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. तो लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0. ऐसे ही लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3. अब जैसे लॉग की लॉग 2 की वैल्यू आपको पता लगी तो आप लॉग 4 की वैल्यू इजीली निकाल लोगे. कैसे, लॉग बेस 10, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जो आपकी पावर में था वो क्या जाएगा, आगे आ जाएगा 2 लॉग बेस 10 आर्गुमेंट 2. टू लॉग 2 की वैल्यू पुट करेंगे 0.3, तो लॉग 4 की वैल्यू कितना आएगी, लॉग इज इक्वल टू 0.6. ऐसे ही लॉग 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज 0.7. लॉग 6 की वैल्यू 0.77, लॉग 7 की वैल्यू 0.85, लॉग 8 की वैल्यू 0.9, और लॉग 9 की वैल्यू 0.95, लॉग 10 की वैल्यू 1. तो ये वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए. इसकी हेल्प से आप लॉगरिथम टेबल की हेल्प से आप लॉग फाइंड कर लोगे. ओके, थैंक यू.